आप परेशान मत होइए माँ जी, इन्हें कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा माँ जी, आज का दिन बहुत अशुभ है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किस लिए बेटी? 100 सालों में एक बार आने वाला ये सबसे बुरा दिन है। रावण, दुर्योधन, कुंभकर्ण और कंस सब इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। आज भी कोई शैतान जन्म ना ले ले, सबको इसी बात का डर है। पूजा भजन सब मंदिरों में कल रात से ही शुरू हो गया है। देखना प्रसाद बाबू गलती से भी बाहर ना निकल पाए। माँ जी संभल कर। भोजन चाहिए। खाना। रक्षका, ये जो भूगोल है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अवतार लेने के लिए अमृत पीने वालों ने इस मिट्टी को बनाया, ये मुझे पसंद नहीं। अच्छा। इसलिए इस भूगोल को खत्म करके समुद्र बनेगा लाल खून से, हड्डियों से बनेगा जंगल, शैतानों की दुनिया बना दूंगा इसे। वो देखो, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। श्रापित पत्थर निकल चुका है। आने वाले 2 साल 6 दिनों के अंदर उलफ राशि में दक्षिण दिशा में इस धरती से टकराएगा और सबका सर्वनाश हो जाएगा। सूर्य चंद्र एक हो जाएंगे, सारे तारे टूट कर बिखर जाएंगे। देखो वो, देखो वो आ गया, काफी पत्थर आ गया। अपनी दुनिया बनाऊंगा। ये क्या है माँ, क्या है ये सब? इंसान टूट कर बिखर रहा है और तुम सब देख रही हो? ये जरूर किसी शैतान का ही काम है। अगर आपने इस प्रलय को नहीं रोका तो सबका आप पर से विश्वास उठ जाएगा।
वो राक्षस कौन है मुझे बताइए, मैं उसका खात्मा करूंगी। बताइए माँ, मैं खुद उसका गला घोटकर उसे मार दूंगी। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं। ये क्या इंसान आज नरसिम्हा की तरह बात कर रही है? सिंह राशि में जन्मी है ना वो। सिंह राशि में? हाँ, तुम्हारी जो राशि है वही। वो खुद ही उसे मारने की बात कर रही थी। अनजाने में ही सही, पर उसने सच कहा। उस शैतान के विनाश के लिए ही वो जन्मी है। पर अगर विधि साथ ना दे तो वो खुद उस शैतान के हाथों मारी जा सकती है। क्या कहूँ, जीत किसकी होगी ये तो खुद मैं भी नहीं जानती हूँ। आ रहा है इस धरती के विनाश का दिन करीब आ रहा है। बढ़िया है। क्या हुआ, चुपकी हो? भूख लगी है क्या? इस धरती को दूसरी तरफ से खाना शुरू करें? खाने को मारो गोली, धरती को खत्म होते देखने के लिए तुम जीवित रहोगे क्या? जो बोले पसंद नहीं आया। आने वाले तीसरे ग्रहण से ही तुम्हारी आयु खत्म हो सकती है, ऐसा ग्रह कह रहे थे वो मेरे कानों के एंटीना ने कैच किया। बेकार की बकवास मत करो, ग्रहों ने जो कहा उसका अर्थ बताओ। अर्थ क्या बताऊं? तुम्हें खलास करने के लिए वो सिंह राशि जन्मी है, तुम्हारी नीच की चक्र राशि है, अनिति आदि महाशक्ति के सिंह राशि में जन्मी है। नए राशि में तीन ग्रह जुड़ने वाले हैं, उस ग्रहण समय पर सिंह राशि के पास कोई ताकत नहीं रहेगी, उसे समय पर तुम उसको खलास कर सकते हो। उन तीन ग्रहों को जुड़ने से पहले अगर तूने उसको खलास नहीं किया है तो शैतान की शपथ उसके हाथों से तेरा विनाश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी करो ना, सासू जी मंदिर से आती ही होंगी। जोर लगाओ, जरा देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, पता नहीं कब पर लोग से धारेगा। प्रसाद बाबू, खास आदिवासियों से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनवा कर लाई हूँ, खा लो। वाओ, ट्राइबल स्वीट्स। चाची, मुझे जो पसंद है वो नौकर नहीं देता, लेकिन आप बना कर दे देते हो। शुक्रिया आपका। चाहिए? हम नहीं खाएंगे। बोलो ना, डायबिटीज है। दे 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 दे। हाँ, डायबिटीज होगा शायद। डॉक्टर? क्या डॉक्टर, हर हफ्ते शहर से आना और फिर चले जाना। आप कहीं शिफ्ट हो जाइए ना। ओके, बट दिस इज नॉट ओके। डॉक्टर, आपका पेट गुब्बारे जैसा फूलता जा रहा है, ब्लास्ट हो जाएगा, बी केयरफुल। डॉक्टर, आपका कोलेस्ट्रॉल जरा बढ़ गया है, ट्रिग्लिसराइड्स लगभग 5000 पार कर चुका हूँ, राइट? लगभग कितना ही है? हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं फिर भी समझना मुश्किल होता है। तुमने सिर्फ सिम्टम्स देख करके बता दिया, इनको मेंटल प्रॉब्लम है ऐसा तो मुझे। पता है, बीमारी की वजह पेशेंट खुद होता है और उसका फायदा तुम जैसे डॉक्टर उठाते हैं। डेविल, यू ऑल आर माइंड डेविल। व्हाई? बाइक? अरे जीवन, प्रसाद, अरे यार, जस्ट अ मिनट। अरे यार, सिर्फ एक राउंड मार के आता, अरे काफी दिन हो गया यार, बात सुनो। अरे रुको, ये कैसा शोर है? प्रसाद बाबू बाइक लेकर निकल गए हैं। प्रसाद बाबू रुक जाइए। प्रसाद बाबू, ये क्या? प्रसाद बाबू कहाँ जा रहे थे, वो भी इतनी स्पीड में? आपको ये मोटर बाइक दी किसने? किसी ने भी दी, बाइक स्पीड में चलने के लिए होती है। सिखाइए मत मुझे, आगे कितनी बड़ी खाई है जानते हैं? बहुत खतरा है। खतरा होगा तभी थ्रिल होगा। तेजी से जाकर उस खाई में हाई जंप करूंगा। देखो, मोटरसाइकिल का कोई नट भी निकल गया है। ये नट तो ब्रेक का है। ब्रेक था जो निकल गया? खुद से नहीं निकल सकता, किसी ने निकाला होगा। भाई ने खुद ये बाइक सर्विस करके दी है, ब्रेक कंडीशन में ही था, शायद मेरी स्पीड से निकल गया होगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। इसे कोई नहीं रोक सकता। रुकिए, मेरी स्पीड का कोई ब्रेक नहीं। हे माँ, उनकी रक्षा करना माँ। ला ला ला, ओ ओ माय गॉड, ओ नहीं।
आई एम सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों को इस तरह सड़क पे नहीं घुमाना चाहिए। लेट मी स्टार्ट अगेन। अरे बाप रे, कब से चिल्ला रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता? राजी, सामने देखो, पूरी सड़क पे कितनी सारी मुर्गी और उनके बच्चे हैं। अगर मैं आगे बढ़ा तो वो सारे मर जाएंगे ना। हाँ, आपने सही कहा, उन पर से क्यों जाना, गाड़ी उन पर चलाना तो पाप होगा ना। चलो घर चलते हैं। करेक्ट, गुड आइडिया, चलो घर चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजी, तुम मुझे घर ले जाने वाली थी ना, तो रुक क्यों गई? चलो घर चले। चलो चलो चलो। आला, आपत्ति। वाह वाह, आपत्ति घोर विनाश जल्द होने वाला है ना? तुम्हारा विनाश, तुम्हारे विनाश का आखिरी ग्रहण शुरू होने वाला है। वो सिंह राशि वाले को खलास करने के लिए तुम्हारे पास आखिरी अवसर है। नहीं होने दूंगा। क्या फिर? तो तुम्हारा विनाश पक्का है। हो ही नहीं सकता है ऐसा, इस शैतान के विनाश की ताकत उस औरत में है क्या? देखता हूँ वो क्या चीज है, देख लूंगा उसे। ग्रहण से पहले अब मुझे ही कोई मार ढूंढना होगा। नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है। कहाँ है वो? क्या कलयुग आ गया है? कहाँ है? भगवान को छोड़कर भूतों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। यह संभव है? असंभव। इसलिए जहाँ नजर घुमाओ बस बुरी चीजें नजर आ रही है। तो क्या ये वही अग्नि है जो इस शैतान को भस्म करने वाली है? बाबा, आप कौन हो? मैं वही हूँ बेटी, जो खास तुमसे मिलने आया हूँ। उत्तर भूमि में पैदा होकर सात शहर भूगर्भ में समा जाएंगे बेटी। छह समुद्रों के पार, बर्फ के पहाड़ के पिघलने से एक महाद्वीप जलमग्न हो जाएगा। इस विश्व में जान लेवा एक रोग पैदा होगा, यही प्रचार मैं तुम्हारी इस दुनिया में करता हुआ घूम रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो सब होते हुए आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये विनाश पहले मेरी आंखों में दिखते हैं, उसके बाद धरती पर होते हैं। आप तो कोई बहुत पहुँचे हुए योगी लगते हैं बाबा। आप तो अपने चेहरे पर कोई तेज लिए घूम रहे हैं बाबा। आपके गले से कोई उद्घोष सुनाई दे रहा है। आपकी आंखें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आपके और मेरे जन्म के पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा है बाबा।